तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने हमारे पापड़ कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने हमारे टाइटल में। ये पापड़ केवल हम लोगों ने 3 चम्मच सूजी से बनाए हैं। तो आज हम लोग 3 चम्मच सूजी से खूब सारे पापड़ बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज जल्दी से सीख लेते हैं कि सूजी के पापड़ आखिर बनते कैसे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आर्यन और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम। तो चलिए आज की हम लोग मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी आज की मज़ेदार सी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 3 चम्मच सूजी। इस 3 चम्मच सूजी को हम लोग एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके साथ ही में हम लोग 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल रहे हैं इसमें भरकर। आप लोग चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा सभी घरों में आसानी से मिल जाता है तो मैंने उसी का यूज़ किया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने एकदम फाइन आटे की तरह रेडी कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे आटा हमारे हाथों पे लग जाता है बिल्कुल वैसे ही अभी सूजी का पाउडर लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और एक पूरा बड़ा गिलास हम लोग इसमें पानी का डाल के अच्छे से मिला लेंगे। एकदम हमारा बैटर वाटर की कंसिस्टेंसी की तरह होने चाहिए, जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा बैटर हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं कितना पतला बैटर है मेरा। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी और बचा था, वो भी मैं इसी में डाल देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। तो बैटर हम लोगों का गाइस बिल्कुल रेडी है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें मैं एक बड़ा गिलास फिर से भरकर पानी का डाल रहा हूँ। इस पानी को हम लोग थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जो हम लोगों का बैटर था सूजी का, उसको हम लोग इसमें डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैटर हम लोग डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। इस समय आप लोगों की फ्लेम लो टू मीडियम पर होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते मैंने अपना बैटर डालना चालू कर दिया और यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा बैटर को डाल दिया है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी का बचा बैटर भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। और सारा बैटर डालने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको एक विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेता हूँ। विस्क करते हुए हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इस समय इसमें लम्ब्स आ सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। आप लोग स्पैचुला से भी मिला सकते हैं, कोई बात नहीं। और इसको आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक स्पैचुला की मदद से दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर है, एकदम हम लोगों के स्पैचुला पे ये कोट हो रहा है। ये देखिए, और अब हम लोग इस बैटर को लगभग आधा से 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और अब उसी बाउल में जिसमें हम लोगों ने अपना बैटर रेडी किया था, उसमें आधा कप पानी यहाँ पे मैंने और मिलाकर इसमें डाल दिया है। लगभग 3 चम्मच सूजी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 बड़ा गिलास पानी का इसमें डाल दिया है। ये देखिए, अच्छे से अब हम लोग फिर से इसको मिला लेते हैं अपने बैटर को। और अब यहाँ पे हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अगर आपको कम नमक पसंद है पापड़ में तो कम डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। और हम लोगों के पापड़ में मैं यहाँ पे आज जीरा का फ्लेवर ऐड कर रहा हूँ। आप लोग इसमें धनिया, हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स, कड़ी पत्ता, अजवायन, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप लोगों का मन हो। और यहाँ पे मैंने इसको सभी चीज़ों को डाल के एक बार अच्छे से फिर से मिला लिया है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का बैटर बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोगों को फ्लेम को ऑफ़ करके जल्दी जल्दी से इसको अपनी किसी भी प्लास्टिक की या शीट पर या फिर किसी भी ऐसे एल्युमिनियम फॉइल पे फैलाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे 1-1 चम्मच बैटर हम लोग लेंगे और
और इसको बिल्कुल ऐसे फैला देंगे। ये देखिए एकदम पतला, हम लोगों को ज़्यादा पतला फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप थोड़ा थोड़ा फैल जाता है। ये देखिए एकदम गरम गरम बैटर को ही आप लोगों को फैला लेना है, क्योंकि ठंडा होते साथ साथ हम लोगों का बैटर और गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार में इतने एल्युमिनियम फॉइल पे 3 पापड़ डाल लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और बाकी पापड़ मैं यहाँ पे धूप में जाकर अपनी प्लास्टिक शीट के ऊपर फैला दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग किचन से अपने पापड़ फैलाकर धूप में लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे किसी भी चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे अपनी शीट को रख लीजिए, प्लास्टिक शीट को, और उस पर फैलाकर ले जाइए। और ये देखिए बाकी के पापड़ मैंने यहाँ पे धूप में जाकर सुखाने के लिए डाल दिए। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 50 पापड़ रेडी हुए हैं। अगर आप लोग छोटे साइज़ के पापड़ बनाएंगे तो आपके 100 पापड़ 3 चम्मच सूजी से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पापड़ बिल्कुल रेडी हैं, सूखकर एक दिन की धूप में अच्छे सूख गए हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं, कितना शाइनी और एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़ है। आप लोग देख सकते हैं मेरी पीछे से उंगलियां भी दिख रही हैं। तो ये हम लोगों के पापड़ फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम लोग इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एकदम गर्मा गर्म तड़कता फड़कता ऑयल चाहिए हम लोगों को। उसमें हम लोग अपने एक एक पापड़ को डालते जाएंगे और एक बार अलट पलट के इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर इसको फ्राई मत कीजिएगा वरना ये लाल हो जाती है एकदम। ये देखिए बस एक बार ऐसे अलट पलट दीजिए और इसको ऐसे निकाल लीजिए किसी भी छन्नी पर। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों को जितने पापड़ खाने हैं उतने हम लोग पापड़ फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने खूब सारे पापड़ बनाए हैं तो इन पापड़ को आप लोग किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में भर के 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं हम लोगों के। तो दोस्तों आज की रेसिपी हम लोगों की बनकर बिल्कुल एकदम रेडी है। तो अब मैं आपको मिलूँगा अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, गुड बाय।